Now, I would like to request Professor Ravindarjeet ma'am to present a memento to Kangana Sabhapati sir as a token of gratitude. Please give a huge round of applause. Thank you, ma'am. Now may I request Sri Ravi Shankar ji to please come and address the audience. Can we have a round of applause, please? आदरणीय प्रोफेसर सभापति जी, सम्मानित मंच एवं प्रबुद्ध श्रोतावर्ग, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। हमारे यहाँ सूत्रों में बात करने की पद्धति रही है, इसलिए मैं व्याख्या नहीं करूंगा, मैं सूत्र बताऊंगा। और वो इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे सूत्रों की व्याख्या पहले हो चुकी है। भारतीय अर्थ चिंतन पे जब हम सोचना प्रारंभ करते हैं तो जैसे एक वैदिक त्रैतवाद होता है ईश्वर जीव और प्रकृति का, एक आर्थिक त्रैतवाद भी है। चर्चा पहले आ चुकी है अलग अलग संदर्भों में, और यदि हम सोचेंगे तो उसको हम जोड़ पाएंगे। तो तीन चीजें हैं अर्थ चिंतन में भी। पहला है मनुष्य यानी हम, क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हम हैं। दूसरा है प्रकृति यानी रिसोर्सेस जिनका हम उपयोग करने वाले हैं। और तीसरा जो है वहां पर जो ईश्वर था, यहां पर ये सोसाइटी है, समाज है, जिसकी चर्चा अभी हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय प्रोफेसर कनक सभापति जी ने कही है। ये तीन चीजें हैं, मनुष्य है, प्रकृति है और समाज है। और इसमें समझने की बात क्या है कि तीनों तीनों का पोषण करते हैं। मनुष्य प्रकृति का पोषण करता है और प्रकृति मनुष्य का पोषण करती है। यदि हमने एक भी चीज को ब्रेक किया तो दूसरा अपने आप ब्रेक हो जाएगा। आप एक साइकिल तोड़िए और दूसरा साइकिल अपने आप टूटेगी। तो मनुष्य यदि प्रकृति का रक्षण करना बंद करेगा, प्रकृति मनुष्य का पोषण करना बंद कर देगी। दूसरी चीज, तीसरा जो फैक्टर है समाज का, मनुष्य समाज का पोषण करेगा तो समाज भी मनुष्य का पोषण करेगा, रक्षण करेगा। आप इस साइकिल को भी ब्रेक कीजिए, यह भी टूट जाएगा। जैसे ही समाज को आप छोड़ेंगे, आप खुद भी नष्ट हो जाएंगे। और तीसरी चीज है समाज और प्रकृति की। प्रकृति का रक्षण समाज करेगा और समाज का पोषण प्रकृति करेगी। यह सूत्र है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, उदाहरण नहीं दे रहा हूं। अब आते हैं अर्थ के तंत्र पे। ये तो हो गया चिंतन क्या है अर्थ का में हमारा। तो चिंतन में ये तीन चीजें हैं, मनुष्य भी है, समाज भी है और प्रकृति भी है। अब तंत्र की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम आप देखें, बहुत सिंप्लीफाइड वे में सोचें, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी में ना जाएं। तो दो एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन और उसका फिर विनिमय यानी उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन दो प्रकार के हैं, कृषि है और उद्योग है। जो विनिमय है वो भी दो प्रकार का है, एक व्यापार है और दूसरा ब्याज पर लेन देन वगैरह है, कुसीद कहते हैं उसको संस्कृत में। तो कृषि, उद्योग, व्यापार और कुसीद या बैंकिंग आज कहते हैं हम। अब आप देखिए भारतीय अर्थचिंतन क्या कहता है। वह कहता है उत्तम खेती मध्यम बाण निकृष्ट चाकरी भीख निदान। कृषि सबसे उत्तम है, उसके बाद व्यापार है, सबसे निकृष्ट चाकरी है जिसके पीछे भारत का सारे युवा भाग रहे हैं। उनको कुछ नहीं करना है, पढ़ना लिखना है, एक नौकरी पानी है। निकृष्ट काम है, सबसे घटिया काम है नौकरी पाना। हम उसके पीछे भारत के युवाओं को अंग्रेजों ने लगाया है कि हमको नौकरी पानी है। और जैसा कि अभी हमने सुना सभापति जी ने वो आंकड़ा दिया है हमें, एंटरप्रेन्योरशिप ये भारत की जान है। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर भारत में रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि हम खेती को और व्यापार को ऊंचा दर्जा देते थे नौकरी से। आज भी
वही स्थिति है। लेकिन युवाओं के सामने में जो गोल रखा जाता है वो नौकरी का, समस्या यहां पैदा होती है। तीसरी बात, जो तीसरा सूत्र मैं रखना चाह रहा हूं, वह शासन का है। अब आप देखिए, जो मैंने पहला चिंतन में रखा था, मनुष्य, प्रकृति और समाज, इसमें शासन कहीं नहीं है। लेकिन आज आप देखें तो पूरे अर्थ चिंतन पे शासन का कब्जा है। आपको एक फैक्ट्री चलानी हो, शासन से परमिशन लेनी है, लाइसेंस लेना है। आपको एक व्यापार करना हो, शासन से करना है। आपके पास एक गाड़ी है, आप उस पर कुछ लोगों को यात्रा करा के पैसा कमाना चाहते हैं, इसके लिए भी शासन से लाइसेंस लेना है। हर काम में शासन का एक इंटरफेरेंस है। यह इंटरफेरेंस भारतीय चिंतन का नहीं है। भारत का चिंतन यह कहता है शासन का काम व्यापार में, उद्योग में, इस सब में हस्तक्षेप करना नहीं है, वह केवल नियामक है। आज आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट होटल भी चलाती है, फैक्ट्रीज भी रन करती है, बैंक्स भी चलाती है, स्कूल्स चलाती है, हॉस्पिटल्स चलाती है। ये सब इनका शासन का, किसी भी जगह आप कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी उठाइए, केवल कम्युनिज्म को छोड़कर किसी में भी ये शासन का काम नहीं है। और जहां जहां शासन ने इन कामों को किया है, इन सभी कामों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, आउटकम ये प्रभावित हुए हैं, रिजल्ट खराब हुआ है, सोसाइटी कहीं ना कहीं टूटी है। और ये जो चक्र हमने बताया था, सबसे पहला चक्र मनुष्य, प्रकृति और समाज का, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। तो शासन का काम क्या है? क्या शासन बैठकर देखता रहे? नहीं, शासन का काम नियामक का है। आप कौटिल्य अर्थशास्त्र उठाएंगे, जिसकी चर्चा सुबह राधाकृष्णन पिल्लई ने की, तो कौटिल्य कहते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्ट्री एक बनाई है उन्होंने, हर एक के लिए, सभी इंडस्ट्रीज के लिए, सभी प्रकार के व्यापार के लिए। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो कंडक्ट करेंगे, वो चलाएंगे व्यापार, वो उसको रेगुलेट करेंगे, कोई किसी का शोषण नहीं कर सके ये करेंगे। और इसीलिए जो आज दो इकोनॉमिक सिस्टम की बात होती है, एक कैपिटलिज्म की और एक सोशलिज्म की, मैं कहूँ कैपिटल तो हर एक में लगता है, सोशलिज्म में भी उठाइए, कैपिटल के बिना चला लेंगे क्या? तो कैपिटलिज्म वहाँ भी है, अंतर केवल एक है, एक निरंकुश है, जो इसको आप कैपिटल सिस्टम कह रहे हैं, कैपिटलिज्म कह रहे हैं, वो एक निरंकुश व्यवस्था है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं, जो जिसकी मर्जी आए वो करे। और दूसरा पूरी तरह शासन के नियंत्रण में है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों ही उनकी निरर्थकता साबित हो चुकी है, इसके बारे में हमने पहले सुन रखा है। तो भारतीय चिंतन क्या कहता है? समाज और व्यक्ति, इनका काम है ये सारा कुछ करना। शासन केवल ये देखेगा कि कोई किसी का शोषण न कर सके। अब कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो उससे फीस के कारण उसको न निकाला जा सके, इस प्रकार से वो नियामक की ये करेगा। और सबसे अंतिम बात मैं कहूंगा, हमारी आदत हो गई है एक बड़े पैमाने पर सोचने की। पूरे देश की आबादी 125 करोड़, उसके लिए कितना चावल चाहिए, कितना गेहूं चाहिए और कैसे आएगा। मैं कह रहा हूं कि आप इसको गिनना और जोड़ना बंद करें। पहले कभी नहीं गिना और जोड़ा गया और भारत बहुत सुखी रहा। अभी ये बताया गया कि 2000 साल से भारत दुनिया पर शासन कर रहा था आर्थिक दृष्टि से, ये भी दुनिया के दिए हुए आंकड़े हैं। तो उस वक्त तो हमारी पूरे देश की जनगणना नहीं निकाली जाती थी, पूरे देश की प्लानिंग नहीं होती थी। ये जो मैक्रो प्लानिंग है, ये मूल जड़ है समस्या का। छोटे स्तर पर प्लानिंग होनी चाहिए, एक जिला है उस जिले की प्लानिंग होनी चाहिए और उसमें शासन का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। करों की भी बात ऐसी ही है। आप देखिए पूरा भारत का सिस्टम उठा के देखेंगे, कभी भी सेंट्रलाइज, जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट को डेवलपमेंट टैक्सेस कभी नहीं गए, उठा के देखिए पूरा हिस्ट्री, केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए टैक्स गया है, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए गया है, बाकी सारा जो उसका एक्सपेंडिचर है समाज का, वो खुद नीचे लोकल लेवल पे होता रहा है। और इसीलिए आज ये समस्या आ रही है कि हम टैक्स चुरा रहे हैं, ब्लैक इकोनॉमी खड़ा कर रहे हैं। कुल मिला के अंत में मैं केवल इसको ये कहूँगा कि यदि इन सूत्रों पर विचार करके, इनका विस्तार करके एक ढांचा यदि हम डेवलप करेंगे, हो सकता है यदि विस्तार से समय मिले तो ये किया जा सकता है, कर सकते हैं हम लोग भी।
तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा न्यूनतम हिंसा। आज समाज में बहुत हिंसा है, छोटी छोटी बात पे झगड़े और लड़ाइयां और गोलीबारी हो रही है। न्यूनतम शोषण, शोषण बहुत है। अधिकतम समृद्धि, जो समृद्धि है वो निचले स्तर तक जाएगी और सब लोग समृद्ध होंगे। सभी का उत्थान, मैं अंत्योदय की बात नहीं करता हूं, मैं सर्वोदय की बात इसलिए कह रहा हूं, हर व्यक्ति का उत्थान होगा उसमें, केवल एक व्यक्ति का नहीं होगा। जैसा आज कहा जा रहा है कि 20% के पास 80% सुविधाएं, ये नहीं होगा। और सबसे अंत में समाज में सौमनस्य होगा। पैसा हो जाने से यदि नफरत नहीं कम होती है तो वो भी अर्थव्यवस्था बेकार की अर्थव्यवस्था है। पैसा भी हो और सौमनस्य प्रेम भी हो, ये सारे चीजें परिणाम होंगी। सूत्र रूप में मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। नाउ मे आई रिक्वेस्ट श्री प्रशांत सिंह टू काइंडली एड्रेस द ऑडियंस। गोइंग बाय द फेसेस आई कैन ऑब्जर्व दैट पीपल आर टायर्ड नाउ, वेरी टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम। सवेरे से ये बात हो रही थी, व्हाट इज इकोनॉमिक मॉडल्स, वेरियस मॉडल्स, गो टू एनी फिलोसफिकल बुक ऑन इकोनॉमिक्स एंड एनी डिबेट एंड यू विल listen about models and this model, that model and all those things. I think there is only the basic model is the production and exchange of the goods and services. This is the basic economic model, and I don't think there is any other economic model. Production of goods and services in any society, in any economy, and its exchange. And the rules of the exchange of goods and commodities, you cannot predictate. It is best judged by the society itself, and you cannot put any rule for that. You should do it in this way or that way or something like that. Any village, any society, and bigger society or smaller society, this itself is able to do this thing. I will just briefly explain from a village economy to an industrial economy within 5-10 minutes, and how it functions, how from village to industrial it changes on. A village economy consists of various producers of goods and services. कुम्हार है, कोई मतलब वीवर टेक्सटाइल वाले प्रोड्यूस करते हैं, कोई पॉटर्स है, किसान है, they all produce various kinds of goods and services and they exchange among themselves. And this exchange can be barter or it can be monetary or it can be both. Some barter, some monetary. In fact, historically it has been both. Primarily tending towards barter, a little bit in monetary transactions. Even if it was fully monetary, the situation will not change. I will explain it briefly. Had it been fully monetary, suppose a potter selling his pots to various other people in his village. So, agar wo bech raha hai, to bechte bechte by selling all those things, he will collect some money. And that money he will spend on buying those things, that grain from the farmers and milk from the milkman and all those things. So the basic point here is that it is a non-accumulatory monetary transaction. Basically, इसमें money किसी के पास accumulation नहीं होता, since time is limited. I am rushing fast. Now think of a situation कि the production by every production unit, barber, farmer, and so on, it increases by say 100 times. Each one is producing 100 times what it was producing previously. So what will happen in that case? Any guess? Production बढ़ा दिया. पहले जितने जो produce हो रहे थे, they were able to consume it. Now the production has gone up to 100 times. So can they consume what is being produced in the economy? No, there is no way. What is the only way? What is the way left for that economic system to function? They have to sell it to some external system, external monetary system, external economy. That too in exchange for money only.
they cannot do barter trading for that huge amount of things. It has to be converted into money only. All the surplus production that an economic system cannot consume, it has to be converted back into money only. This is the only option before the economic system, otherwise it cannot function. It has to collapse. The industrial economic system is nothing but a mix of the two that I explained previously. It is a one tier that produces what, that consumes what it produces, and there is another tier that cannot consume what it is being produced. For example, take a soap producing factory. Suppose usme 1 lakh soap cakes har mahine produce ho rahe hain. Assuming a payout ratio of 70%, 70% jo production hai, it is giving, being given to its workers as a wages and salary, rest 30% is with the industrialist. What industrialist will do? The industrialist, the workers can consume whatever they have got as wages and salary. And what the industrialist will do, they have to convert that thing into money since they cannot consume that much soap or its equivalent goods and services in the system. Our capitalist system is that basically. Whatever the surplus production is accruing with every producer, set of producers, cannot be consumed within the system because system is not getting that much of money as wages and salary. So as a way out, some people were saying that deficit financing would be bad, something like that. I'm not taking much time. The deficit financing is the only way that can keep the system sustaining. By money creation tools of the deficit financing, this system sustains, otherwise it cannot sustain. Since I have got the notice for conclusion of this thing, so I cannot extend it any longer. So if I get the opportunity next, I will be here explaining this. Amongst us, Dr. N.K. Jain, PGDAV College, University of Delhi. Sir, we welcome you and request you to please share your words of wisdom with us. मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं 5 मिनट नहीं लूंगा, 2-3 मिनट में अपनी बात करूंगा. हजार ईस्वी से पहले हमारा देश विश्व गुरु रहा. 900 साल परतंत्रता की वजह से हमारे को तोड़ा मरोड़ा गया, लूटा गया. उस कालखंड के अंदर ही हम थोड़ा झंकोर दिए गए और ये 2000 तक हमने अपनी रिपेयर्स की है और 2000 के बाद हम सुदृढ़ आर्थिक स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इतनी अभी तो हमने अंगड़ाई ही ली है. विश्व कांप रहा है. अमेरिका राष्ट्र के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय में जा जा करके कह रहे हैं काम कर लो बच्चों, नहीं तो चाइना और चाइना और भारत के लोग आ रहे हैं. तो ये तो अभी अंगड़ाई का रिजल्ट है. 1980 में मैंने 2 विश्व प्रसिद्ध किताबें लिखी थी जो आजकल अमेरिकन बाहर यूनिवर्सिटीज में ज़्यादा चली हैं, भारत में भी चलती हैं, 50,000 छपती हैं. साइंस एंड साइंटिस्ट इन इंडिया फ्रॉम वैदिक टू मॉडर्न, दूसरी किताब है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मैथड. तो ये जो हमारी महान संस्कृति रही है जिसकी वजह से हम विश्व गुरु रहे हैं और हमारा जो फैमिली का सुदृढ़ आर्थिक आधार रहा है और त्याग की जो भावना रही है और रिस्क लेने की जो कैपेसिटी रही है, उससे एंटरप्रेन्योरशिप भी आगे बढ़ी है. तो उस हम धरातल पर आज उस मिसाइल के उस ऑर्बिट के अंदर हम हैं. घबराने की कोई बात नहीं है. मैंने अपने एक रेडियो टॉक में कहा था कि इतना पैसा हम अपनी एजुकेशन पर लगाते हैं, माँ बाप जो हमारे ऊपर पैसा लगाते हैं हम जब स्टूडेंट होते हैं, उसके अलावा सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी एजुकेशन सिस्टम पर लग जाता है और जब हम फाइनल प्रोडक्ट करके IIT से निकलते हैं तो कहते हैं वी आर सेल्फ मेड.
और अमेरिका विदेश के लोग हमें ले उड़ते हैं और हम खुशी खुशी उड़ जाते हैं उनके साथ। यही बड़ी गहरी समस्या है, इससे आर्थिक चोट हमारे देश के ऊपर पड़ रही है। तो रेडियो टॉक में मैंने कहा था कि जो स्टूडेंट हैं उनको पूरी मदद देनी चाहिए, सरकार को भी पूरी देनी चाहिए, परंतु एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें जो सरकार हमारे ऊपर इन्वेस्ट करने जा रही है एक प्रो नोट, एक एफिडेविट लिखवा लेना चाहिए कि जब आप नौकरी पर लग जाओ, जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब आपको ये सरकार का जो पैसा है वो वापस करना है। ये बात एक लहर की तरह पैदा हुई, इससे बहुत बड़ी इकोनॉमी हमारी बचेगी, जो जो डेफिसिट में हमारी इकोनॉमी जा रही है इसकी ओर भी इशारा जाएगा। तो सुदृढ़ आर्थिक आधार बन गया है, आगे तेजी से बढ़ेगा। विश्व इस बात के लिए घबरा रहा है कि भारत सबसे आगे चले जाएंगे, हम विश्व गुरु थे, बीच में थोड़ा सा नुकसान हुआ, आगे विश्व गुरु की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं, सुनहरा भविष्य हमारे साथ है। ये अंतिम एक पॉइंट और कह करके कि भारत के जनसंख्या है, युवक होने जा रही है, कुछ दिनों के बाद आपको दिखेगा कि मेरे जैसे सफ़ेद बाल वाले नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मेरा दो मैसेज है, जो सफ़ेद बाले वाले हैं वो काले बाल वालों को ये जल्दी से जल्दी अपनी सारी जो नॉलेज है दे दें। चैनल रिलीज करती रहती हैं, कन्वे करती रहती हैं, कोई सुने या ना सुने। तो बुजुर्गों को ये नहीं देखना है कि कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है कोई, तो हमें भरगस प्रयास करना है कि जो हमारी एबिलिटी है हम यंग जनरेशन को दे जाएं। और यंग जनरेशन के लिए मैसेज है कि जाते हुए बुजुर्गों से जो ले सको ले लो, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर ये सफ़ेद बाल वाले नहीं मिलेंगे, तो पकड़ पकड़ के छीन छीन करके उनसे नॉलेज ले लो। तो ये जो एक कोऑर्डिनेशन बनेगा दोनों जनरेशन के अंदर, ये जो हमें जो डर बार बार लगता है बाहरी मॉडलों से को देखते जो और एनालिसिस से, वो डर काफूर हो जाएगा। और इस बात को अंतिम बात कहते हुए मैं सबको प्रणाम। थैंक यू सर। नाउ एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस समिट, it is time to thank the efforts of various people involved in making this summit successful and to propose the vote of thanks. May I now invite Shri Ajit Tiwari ji, director, Kautilya International Foundation. Sabhi ko jaane ki काफ़ी जल्दी है और वजह भी साफ नज़र आ रही है, चेहरे सबके लटके हुए भी नज़र आ रहे हैं। सुबह से लगातार हम एक के बाद एक सेशन लेते जा रहे हैं और अब लग रहा है कि बिल्कुल दो मिनट भी अब झेलने की स्थिति में नहीं है, तो अब उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जैसा कि हमने प्रारंभ किया, हमारा विषय था भारतीय आर्थिक मॉडल, भारतीय आर्थिक चिंतन, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण। इस कार्यक्रम के तहत आदरणीय गोविंदाचार्य जी से हमें इस कार्यक्रम की उन्होंने थीम रखी कि हमें सुख की तरफ कैसे जाना चाहिए, मनी कैसे एक मीडियम है वो उसको कमोडिटी नहीं बनने देना चाहिए। फिर उसके बाद अलग अलग विद्वानों ने, दीपक करंजीकर जी ने, प्रोफेसर डॉक्टर आर के पिल्लई ने, डॉक्टर कनक सभापति जी ने, प्रशांत सिंह जी ने और रविशंकर जी ने, सबने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, अपने अपने सॉल्यूशंस भी प्रस्तुत किए। आप सब लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक इन लोगों को सुना और शांति का सहयोग दिया। इसके लिए और ये कार्यक्रम सुबह से संचालित होते हुए सफलतापूर्वक अपने आखिरी चरण को आ पहुंचा है, तो इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के प्रणेता, जिनसे हमें इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है, हमारे फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, इस कार्यक्रम में आके हमको अपने अपने ज्ञान से मार्गदर्शन दिया, अपना आशीर्वचन दिया। श्री के एन गोविंदाचार्य जी, आई एम कोलकाता से प्रोफेसर पी वी चक्रवर्ती जी,
मुंबई यूनिवर्सिटी से डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लई जी, अर्थ क्रांति से दीपक करंजीकर जी, प्रोफेसर कनक सभापति जी और यहाँ के लोग जो इस कार्यक्रम को की जब से योजना बनी, मतलब जनवरी से ही इस कार्यक्रम की योजना बनाने से लेकर और आज सफलतापूर्वक हम कार्यक्रम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा श्रेय मेंस के डायरेक्टर प्रोफेसर एमके भट्ट जी, सुनिधा मैम, रिया मैम, निशा मैम, जगत ज्योति बरुआ जी, राजीव जैन जी, गौरव जी और सभी कमिटी मेंबर्स के साथ साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स तथा सभी सपोर्टिंग स्टाफ को महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी एंड कौटिल्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू।